तो जैसे कि इसने राधे राधे सभी लोगों को होप्स होगी आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और वेलकम टू माय चैनल स्टेलर स्टॉक स्ट्रेटजिस्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी अपलोडेड वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइमली आता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं जिन जो स्टॉक्स में लेके आता हूँ अपने एनालिसिस में, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज और लर्निंग पर्पज के लिए है। अगर इन शेयर्स को लेने से आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उनके लिए चैनल लायबल नहीं होगा। सो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें, तभी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें। अपना एनालिसिस करना ना भूले, अपना एनालिसिस किसी भी शेयर पे जरूर करें, तभी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जिस शेयर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उस शेयर का नाम मैं आपको लास्ट में रिवील करूंगा। सो वॉच फुल वीडियो, सारे पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या रहे लास्ट क्वार्टर में। जी हाँ, ईयर टू ईयर अगर हम देखते हैं लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग 27% प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है। दैट इज वेरी गुड प्रॉफिट। सो नाउ हम शेयर के फंडामेंटल्स पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो शेयर का मार्केट कैप चल रहा है 18,146 करोड़, 18,146 करोड़। पी रेशो चल रहा है शेयर का 48.9 और पीवी रेशो चल रहा है शेयर का 18.7। आरएसआई चल रही है शेयर की 64। सो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसका डिस्कस करने वाले हैं शेयर होल्डिंग पार्ट, एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स कौन कितना होल्ड करता है। सो शेयर होल्डिंग में अगर हम देखते हैं तो एफआईआई होल्ड करती है करंटली 11.6% और म्यूचुअल फंड इसमें होल्ड करते हैं 24.2%। अगर इसको हम डाटा को देखते हैं तो जून क्वार्टर में दोनों ने ही, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआई ने, अपने स्टेक्स में इंक्रीमेंट किया है। सो इसे देखते हुए हमें लगता है कि शेयर में दोनों को कॉन्फिडेंस है। अब हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की। सो चार्ट एनालिसिस में अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज शेयर ने एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाया है और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो काफी बुलिश कैंडल स्टिक्स लास्ट टू मंथ से बनती हुई दिख रही है। सो यहां से भी अगर शेयर में बाइंग पोजीशन बनाया जाए तो एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं जो कि है 183 और ऊपर। अगर कल जो ब्रेकआउट होने वाला है, मींस फ्राइडे को जो ब्रेकआउट होने वाला है, अगर डे कैंडल ग्रीन में बंद होती है तो वहां पे अच्छा खासा उसके बाद बुलिश मूवमेंट शेयर में आ सकता है। सो शेयर की जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके आपके सामने पेश कर सकता था वो मैंने एनालाइज करके आपको बताया और अब टाइम आ गया शेयर का नाम रिवील करने। जी हाँ, शेयर का नाम है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के शेयर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये शेयर कैसा लगता है, क्या आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाना चाहते हैं या आप इसको ऑलरेडी होल्ड करते हैं या आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है इस शेयर को लेकर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।